अभी एक ख़तरनाक जगह में आए हैं, एक ब्यूटीफुल जगह में आए हैं। जी हाँ, राजगीर लोग कहते हैं कि पांच पहाड़ियों से घिरा हुआ है और काफ़ी ही बेहद ही खूबसूरत है। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो पटना से समथिंग 100 किलोमीटर के आसपास है और इजीली कनेक्टिविटी, आपको ट्रांसपोर्ट का, रेल का इजीली कनेक्टिविटी, आप आ सकते हैं। मैं अभी जा रहा हूँ इंडिया का दूसरा ग्लास ब्रिज है उसको कवर करने। फर्स्ट वी ऑलरेडी कवर्ड, पेलिंग सिक्किम में है तो ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मोस्ट ऑफ द पीपल इज़ अनअवेयर दैट द राजगीर इज़ द फर्स्ट ऑफ सेकेंड, इसीलिए आप जाके देखिएगा, कन्फ्यूज़ नहीं हो जी। ठीक है, सो हमारे साथ ही इन लोग आए हैं, मिस्टर आशीष रंजन पटेल और मनिंदर कुमार जी आए हैं, तो हम लोग तीन चल के इंजॉय कर रहे हैं। चलिए, क्लास स्काई बाग के पास इंटर कर रहे हैं, दो हमारे नौजवान लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, सो चलिए। बस पांच कदम दूर है भारत के दूसरे ग्लास ब्रिज से, थोड़ा जान ले इसके बारे में। हाँ हाँ, चलिए मैं बताता हूँ। ये ग्लास ब्रिज चाइना के बेस पे बनाया गया, चाइना में एक ग्लास ब्रिज है उसी के कंसेप्ट को यूज करके बनाया गया। ये आपको जो मिरर दिख रहा होगा ना, ये शीशा, इसका एक शीशा का थिकनेस 15 mm है और ये तीन ओवरलैप करके रखा गया, मतलब टोटल अगर थिकनेस देखा जाए तो 45 mm थिकनेस है। हालांकि इस ग्लास ब्रिज का कैपेसिटी 40 पीपल का है, एक साथ 40 लोग एक साथ इस पे जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सिक्योरिटी पर्पज से रखा गया है इसमें, तो 10 से 15 लोग ही एक बार भेजा जाता है इस पे, ताकि थोड़ा सिक्योरिटी को मेंटेन किया जाए, ओवरलोडेड ना हो, कम लोडेड हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसकी लंबाई की बात करें तो 80 फीट लंबा है और 6 फीट चौड़ा है ये। हाइट की बात करें तो लगभग 250 फीट के हाइट पर यह बना हुआ है और ये बेहद ही खूबसूरत नज़ारा है। जैसे ही आप इस ग्लास ब्रिज पे चढ़ेंगे और ग्लास ब्रिज के इंड छोर पे जाएंगे, सबसे लास्ट पॉइंट पे जब जाएंगे, तो वहाँ से जो नज़ारा आपको दिखेगा वो नज़ारा अनमैच्ड होगा और बेहद ही खूबसूरत है। जैसे ही आप ग्लास ब्रिज पे पहुंचेंगे तो कोशिश कीजिए जितना मैक्सिमम हो सकता है इस सुंदरता का, इस प्राकृतिक दृश्य का मजा लेने का। फोटो लेना है जितना फोटो ले लीजिए आप, क्योंकि आपको 3 से 5 मिनट के अंदर आपको बोला जाएगा कि आपका टाइम हो गया, आप नीचे आ जाइए, किसी दूसरे का टाइम आ रहा है। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आप इस ग्लास ब्रिज पे जाइएगा और अच्छे से इंजॉय कीजिएगा। चलिए, कैसा फीलिंग आ रहा है ग्लास ब्रिज पे आके? जबरदस्त। पीछे का व्यू देखिए, जस्ट ट्राई टू कैप्चर इन अल्ट्रा वाइड मोड, देखिए कितना जबरदस्त है। मनोज जी, आप बताइए कैसा लग रहा है? जबरदस्त, बहुत हसीन नजारा है सर, काफी जबरदस्त है। देखिए ये ग्लास ब्रिज का जो फीलिंग है ना, और यहाँ का देखिए, यहाँ का जो, चलिए ये देखिए क्या शानदार नजारा है, क्या जबरदस्त। रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जब भी आप ग्लास ब्रिज आए ना तो नीचे मत देखिएगा, नीचे देखिएगा और लास्ट में जाके वहाँ पे ना वो जस्ट हिलता भी है थोड़ा सा, तो बी केयरफुल, नीचे नहीं देखना है, आसमान में देखना है, लेकिन जो सीन है ना वो लाजवाब, काफ़ी तगड़ा, काफ़ी ज़बरदस्त। चलिए, अभी ये पीछे दिख रहा होगा, ये ग्लास ब्रिज ने हम लोगों ने कवर किया और काफ़ी ही ज़बरदस्त है। यहाँ से जो साइट सीन है ना वो काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी मज़ेदार है, तो आइए एक बार इसको कवर कीजिए। चलिए, होप हम लोग काफ़ी इंजॉय किए। ठीक है, हम लोग बोल रहे हैं, देखिए या बी आर 3 पीपल केम टू इंजॉय दिस ग्लास ब्रिज। इंजॉय किए? बहुत। अच्छा, ज़बरदस्त। मज़ा आया? बहुत मज़ा आया।
बस जल्दी थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, थोड़ा और रहने का मन था ऊपर। हाँ थोड़ा सा टाइम का रिस्ट्रिक्शन है, टाइम थोड़ा कम मिला हम लोग को, लेकिन सबको देखना है ना, सबको एंजॉय करना। डिटेल्स चाहिए, जैसे टिकट कब मिलेगा, टिकट कैसे मिलेगा, कब बुक करना होगा, क्या कॉस्ट होगा, कब जाएं, कैसे जाएं, ये सारी चीज़ का इन्फॉर्मेशन मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या फिर मेरे को इंस्टा आईडी है, इंस्टा आईडी पे आप लोग फॉलो कीजिएगा, मैं इंस्टा पे रिप्लाई आपको प्रॉपर दे दूंगा, आधे घंटे के अंदर आपका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वायरी हो नेचर सफारी राजगीर से रिलेटेड, आप बेधड़क पूछिए, जितनी हो सकेगी हेल्प मैं करूँगा कोशिश हेल्प करने का। आइए एक बार, जब भी आपको मौका मिले, जब भी टाइम मिले तो एक बार आइए और इस प्लेस को, इस जगह को इंजॉय कीजिए। चलिए अभी हम लोग ग्लास ब्रिज कवर कर लिए, तो अभी हम लोग जा रहे हैं सस्पेंशन ब्रिज के लिए, देखते हैं वहाँ क्या होता है, क्या एक्टिविटी होता है, क्या है सस्पेंशन ब्रिज में खासियत, वो चल के आपको बताते हैं, तो बने रहिएगा। अभी तक एक काम कर लीजिए, फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब किस चीज़ का इंतज़ार करो, आपका भाई कितना दूर चल चल के वीडियो बनाता है, ठीक है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं सस्पेंशन ब्रिज की तरफ। अभी सस्पेंशन ब्रिज पे आ रहे हैं, सच में काफ़ी सस्पेंशन है, काफ़ी हिल रहा है और स्टिल इतना ज़्यादा हिल रहा है ना कि आप बी पी एयरफुल रहिएगा जब इस पे आइएगा ना, तो नज़ारा काफ़ी बेहतरीन है, नज़ारा काफ़ी सुंदर है और ये काफ़ी ज़्यादा, इसका एंट्री कॉस्ट सिर्फ ओनली 10 रुपीज़ है, तो आके इसको इंजॉय कर सकते हैं। और चलिए आगे मैं दिखाता हूँ किस तरह से ऑसिलेट होता है, किस तरह से मूव करता है ये चीज़ें, ठीक है। ये देखिए इन लोग फोटो लेने की कोशिश, दे आर ट्राई टू कैप्चर देयर सैड फेसेस। देखिए इतना ब्रिज हिल रहा है ना, पीपल आर स्टिल कंफ्यूज। हम तीन बार देख लेते हैं, ये इतना हिल रहा है ना ये कि लोग अरे यार हमारा कैमरा भी हिल रहा है। ये देखिए अभी देखिए पीछे, ये हम सस्पेंशन ब्रिज को कवर किए हैं और ये काफ़ी एडवेंचर, काफ़ी मज़ेदार, काफ़ी ज़बरदस्त था, मतलब ये जो ऑक्सीलेट होता था ना उसका ही गजब ही था दृश्य, बीच में कहीं भी पाया नहीं है, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग तक ये पिलर है वहीं से ये ब्रिज बनाया गया और काफ़ी अच्छा है, एडवेंचर काफ़ी है और इसका फी भी नॉमिनल रखा गया, वो ओनली 10। वो जो पीछे दिख रहा है ना वो ग्लास ब्रिज है राजगीर का, ठीक है, उसको मैंने कवर किया। और इस साइड जो दिख रहा है ना आपको, ये सस्पेंशन ब्रिज है राजगीर का, राजगीर नेचर सफारी में ये एक्टिविटी है और दोनों का अलग ही अंदाज है, अलग ही मज़ा है, काफ़ी ही ज़बरदस्त है। 120 रुपीज़ आपको, 125 रुपीज़ चार्ज करेगा ग्लास ब्रिज के लिए और सस्पेंशन ब्रिज के लिए 10 रुपीज़ चार्ज करेगा, दोनों में अलग तरह का एडवेंचर वाला फीलिंग आएगा, काफ़ी तगड़ा आएगा, जिस सारी चीज़ें मैं बता नहीं सकता, आप आके फील करिएगा, आपको जो फीलिंग आएगा ना वो फीलिंग बिल्कुल ही डिफरेंट होगा, बिल्कुल ही अलग होगा। चलिए हम लोग अभी वी आर क्रॉस सस्पेंशन ब्रिज राइट नाउ और अभी हम लोग निकल रहे हैं सस्पेंशन ब्रिज से, बाहर आ रहे हैं, तो बताइए आप लोग सस्पेंशन ब्रिज पे मज़ा आया? बहुत मज़ा आया, जबरदस्त। 10 रुपये वसूल हुआ, 10 से ज़्यादा वसूल हुआ, 125 ग्लास ब्रिज का लगा जो बोल रहे, इधर ही वसूल हुआ। तो मैक्सिमम लोग सस्पेंशन ब्रिज पे आते हैं क्योंकि इसका कॉस्ट बहुत ही नॉमिनल है इस वजह से, तो आइए आप भी देखिए कितनी सुंदरता है ना, नेचर के क्लोज फील करिएगा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यही है, इसी वजह से इंस्पायर होके ना नेचर सफारी रखा गया है नाम, इसके बगल में जस्ट जू सफारी है। अच्छा एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूँ आप लोगों को, जस्ट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि पहले क्या होता था, नेचर सफारी या जू सफारी का एंट्रेंस बिल्कुल अलग था, डिफरेंट था, लेकिन अभी क्या है ना कि नेचर सफारी और जू सफारी का एंट्रेंस सेम कर दिया है, तो आप लोग ना जू सफारी का जो मेन एंट्रेंस है ना वहीं पे जाइएगा, वहीं से एंट्रेंस होगा, वहीं से आपको बस नेचर सफारी के पास लेके आएगा, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा इस चीज़ों को, क्योंकि मैं गया था तो मैं नेचर सफारी चला गया वाले रास्ते में और वहां से मेरे को लौटा दिया गया। चलिए हम लोग नेचर सफारी का ग्लास ब्रिज और सस्पेंशन ब्रिज दो एक्टिविटी को हमने कवर किया है, थोड़ा सा टाइम का इशूज हो रहा है इस वजह से निकलना है अभी, ठीक है, तो बाकी एक्टिविटी को भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूंगा जब दोबारा आएंगे ना राजगीर, तो ऐसे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और जो मेन पार्ट था ग्लास ब्रिज उसी के लिए मैं आया था,
उसको कवर कर लिया, अच्छा एंजॉय किया, सीन काफी अच्छा था। आप लोगों को कैसा लगा? बहुत जबरदस्त, बहुत मजेदार सीन। हाँ, दे ऑल एंजॉय अलॉट। अगर आप नज़दीक में हैं, इंडिया का दूसरा ग्लास ब्रिज है, पहला मैं कवर कर चुका हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आई बटन में भी दे दूंगा, जाके चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। आइए एक बार, काफ़ी मज़ेदार है। कनेक्टिविटी पटना से 100 किलोमीटर आसपास है, ट्रेन भी आता है, बस भी आता है, बाई फ्लाइट आना है तो पटना आना पड़ेगा। पटना से कैब इजली अवेलेबल है, आप कैब बुक करके भी आ सकते हैं, 2 से 2.5 घंटे की जर्नी में आपको पहुँचा देगा कैब, ठीक है। कैब का भी डिटेल्स चाहिए तो आप मेरे को इंस्टा पे मैसेज कीजिएगा, इंस्टा आईडी हम दे देंगे नीचे, ठीक है, उस पे आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए एक रिक्वेस्ट है आपसे, क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करो। अब हमें नहीं पता फेंक के मारना या जैसे मारना, वो लाल वाला बटन है उसको दबना चाहिए, ठीक है, लाल ख़त्म होना चाहिए, कर दिया, धन्यवाद धन्यवाद। चलो अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगा, चलिए मिलते हैं फिर।